हम लोग आए थे जीरकपुर टोल प्लाजा पे, हमने यहाँ पे देखा कि किसानों ने टोल प्लाजा पे टेक ओवर किया हुआ है। तो अभी हम जाएंगे उनसे कुछ सवाल करेंगे कि उन्होंने क्यों किया हुआ है टेक ओवर और क्या कंडीशंस है इस टाइम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने टोल प्लाजा के लिए क्यों हुआ है। मतलब और भी जगह थी, बहुत सारी और जगह हो सकती थी, बट सिर्फ टोल प्लाजा ही क्यों हुआ आपने? देखो, ये क्वेश्चन है हमारी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है उसके ऊपर। जिन पंजाब के लोगों ने ये मुद्दा उठा के वो वहाँ पर दिल्ली गए और रास्ते में वहाँ जहाँ जहाँ उनको रोका और जो उनका प्रोग्राम उन्होंने हमारे को दिया, हम तो इसलिए टोल प्लाजा पर बैठे हैं। अगर हमारे को वो कहें मंदिर पर बैठना है, हम मंदिर पर बैठ जाएँ। गुरुद्वारे पर बैठना है, गुरुद्वारे पर बैठे। हमने तो ऊपर वालों का आदेश मानना है। उन्होंने ने जो हमारे को बोला है कि टोल प्लाजों के ऊपर कब्जे करने हैं, तो हमने कर लिया और किया। जो है वो कानून जो है हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों के ऊपर बिल्कुल नजायज कानून बनाए हैं, तका किया है, जबर किया है हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर। हिंदुस्तान का किसान पहले ही बड़ी मुश्किल से, मेहनत से अपने दसा नौहा की किरत करके अपना पेट भरता है, अपने बच्चों को पालता है, अपने समाज में थोड़ा बहुत योगदान करता है। वो पहले ही बड़ी उसकी लाइफ टाइट चल रही है, लेकिन इन्होंने ये कानून हमारे ऊपर थोप के, धक्के से थोपने जा रही है, जिसमें हमारी हिंदुस्तान की लोगों की मौत है। मौत इसमें, ये हमारी मौत के ब्रांड है, ये साधारण कानून नहीं है। जमींदार एक ऐसा बंदा है, वो अपनी फसल का अपने मुंह से रेट मांग के नहीं मिलने लगता। जो मिलेगा वही रेट मिलता है आगे। कोई भी चीज़ हो जमींदार की, वो अपनी मर्जी से नहीं बेच सकता है। जो रेट कहाँ से मिलेगा वही मिलेगा। ये सिर्फ दो फसल का रेट गवर्नमेंट तय करती थी, जीरी का और कणक का, जो उसके ऊपर भी सरकार ने कानून बना दिया और तीन कानून बना दिए। तीनों कानूनों के जरिए पहला तो जो हिंदुस्तान के किसान को ख़त्म कर रहा है कि हिंदुस्तान के किसान की जो मंडी है जहां पर हम अपनी उपज पैदा करके बेच के आते हैं, वहां पर हमारे को सरकारी रेट मिलता है। और ये सरकार ऐसा करने जा रही है नए कानूनों के तहत कि जो हिंदुस्तान की सरकारी मंडी ख़त्म करके इसको प्राइवेट मंडी बनाने जा रही है। और जब अब हम सरकार का दिया हुआ रेट ले रहे हैं, जब ये मंडी प्राइवेट लोगों के हाथ में होगी तो हमारे को कौन दे देगा हमारी कीमत? कहीं नहीं देगा। और उसके पैरेलल हम देख भी रहे हैं, ये सिर्फ हम अपने अंदाजे से बात नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि सारे मुल्क में जो सरकारी मंडी है ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, बाकी मुल्क में यूपी में, उड़ीसा में, बिहार में कहीं भी मंडी नहीं है। और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज यूपी के किसान की क्या हालत है, अपना कारोबार छोड़ के, ज़मीनें छोड़ के पंजाब में आके दिहाड़ी कर रहा है, हरियाणा में आके दिहाड़ी कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कि जिसमें हमारी भी मंडी ख़त्म हो गई तो हमारा भी यूपी के लोगों का बराबर का हाल होएगा। इसलिए हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। अभी जैसा अभी यहाँ पे चल रहा है, तो आपको सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है, कुछ सहायता हो रही है कि नहीं? हमारे को सरकार की तरफ से डंडा मिल रहा है, बैरिकेड मिल रहे हैं। जब हम जाते हैं कहीं प्रदर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर बैरिकेड मिलते हैं, डंडे मिलते हैं और हमारे ऊपर FIR दर्ज होती है। लेकिन हमारा, हम इस इरादे से चल रहे हैं कि जीवन ऐसे ही जाता रहे थे हम जाने देंगे, लेकिन ये कानूनों को हम परवाह नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर हम परवाह नहीं करेंगे। सरकार ने जितना मर्जी जोर लगाना है लगा। हमारे को हदायत हो रखी है भी जहाँ भी कोई MLA विधायक BJP या JJP का हरियाणा में आए, वहाँ पर हमने विरोध करना है। हमने कितनी बार अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं पंचकूला से स्पीकर जी, उन्हें का कराओ करें। हूँ कुछ दिन पहले मोरनी में अपना खट्टर जी का वो कराओ करें। सिर्फ सानू क्या है, रास्ते में बैरीकेड लगा के डांगा मारते हैं, कोई कुछ नहीं देखते हैं कि भी कितने उम्र है, चिट्टियाँ दाढ़ियाँ हैं, मनु चक है वहाँ पे रेस्ट कर लिया बिना मतबल के। किसान संयुक्त मोर्चे के कट के का देखते हमारे को रात को 7:30-9:10 छोड़ा उन्होंने, छब्बीस आने में थे। तो ये मिल रहा हमारे को सरकार की तरफ से और कुछ नहीं मिल रहा। अभी जैसे यहाँ पे चल रहा है, आप लोग यहाँ पे रहते भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते भी हैं, तो मतलब आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पे रहने? यहाँ पर रहने के सबसे पहले तो घर बार छोड़ के बाहर रहना,
कोई आसान बात नहीं होती अपने परिवार को छोड़ के, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे को ये है कि यहाँ पर मौसम की प्रॉब्लम है, आंधी आती है, बारिश आती है, ठंड आती है, हम उसमें सोकर गुजारा करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर खाने पीने का मामला है, खाने पीने के मामले के लिए कभी हम अपना लंगर चला लेते हैं, कभी हम गुरुद्वारे से मांग कर लेकर आते हैं, कभी हम किसी मंदिर को रिक्वेस्ट करते हैं, और इस तरह के तरीके से हमारा जीवन गुजरा है। हमारे साथ क्या नहीं हो रहा? जो आपने बोले अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो ऐसे हमारा कौन सा यहाँ पे मकान बनाया हुआ नहीं, सही बात है। भी 20-25 बंदे यहीं पे होते हैं, दिन में भी कम से कम 100 बंदे के लगभग यहीं होता। आज बारिश पई है 8-9-10 बजे, सारी बारिश की बछड़े यहाँ पे आंधी पार जाती है। तुम भी देखो वो पे हैं साढ़े जहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पानी खड़ा, जो किसने करनी है हमारी हिमायत कोई नहीं कर रहा। सरकार तो देख नहीं रही, जबकि सरकार को चाहिए अभी ये बैठे हैं, इनकी कोई बात हल किया जाए, इनको किसानी धरने में से अपने घर भेजा जाए। जो दिल्ली में बैठे हैं वो भी सेम हमारे जैसी ऐसी हाल वहाँ पे हो रहा है। एक तरफ हमारी जमीनों को रेट गिराने के लिए मंडी खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं। महंगाई का बुनियादी मुद्दा है आर्थिकता का, कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी दुनिया की, तो ही कोई ताकत महंगाई को रोक नहीं सकती। और ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसने हमारे नाक में दम इतना मुश्किल कर दिया है कि हमने ट्रैक्टर में तेल डालना है, ट्राली में तेल डालना है, कटाई करने वाली मशीन है उसमें तेल डालना है, ट्यूबवेल का इंजन है उसमें हमने तेल डालना है। हमारा तो जीवन ही तेल के ऊपर डिपेंड करता है, और जब सारा जीवन हमारा तेल के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ये इतने हराम ज़्यादा लोग हैं कि 10-10, 15-15, 20-20 पैसे करके और एक महीने में कितना बढ़ाते हैं। और ये जिस दिन की ये बीजेपी की सरकार आई है उसने 55 रुपये तेल का लीटर का रेट था, आज 100 के ऊपर पार कर गया है, और उसके पैनल किसानों को दिया क्या है, लोगों को दिया क्या है। और ये सारी बातों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे को ऐसा लगता है कि अगर हम लड़ाई में हारते हैं, हम जीते नहीं हैं, हमारा जीवन तो वैसे ही चला जाएगा। तो बजाय इसकी कि वैसे जीवन चला जाए, तो लड़ मर के हम क्यों ना गवाएंगे अपने जीवन को। जो बीजेपी सरकार थे, पहली सरकारें थी, वो इकट्ठे ही 3-4 रुपये डीजल का रेट या पेट्रोल का रेट बता देते थे, तो लोग उसमें संघर्ष करते थे, इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया। ये ऐसी चार बार सरकार रेट हर रोज़ बता रहे हैं, इसमें ना कोई बोलता, आराम से सहन कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं क्या बद रहा क्या नहीं। किसान को तो बड़ी मुश्किल है, 100 रुपये लीटर डीजल डाल के कहाँ हम खेत में खेती कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल हो रही है। रेट सही नहीं दे रहे, इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं भाई सरकार हमारी मन्ने हमारे को दिल्ली में से इनमें से टोल प्लाजे के धरने से अपने घर भेजे, ताकि हम अपना ठीक ठाक। हर वर्ग का बंदा लूटा जा रहा है इस समय, मुलाजिम लूटा जा रहा है, मजदूर लूटा जा रहा है, दुकानदार लूटा जा रहा है, लेकिन और कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन ये है कि उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, उन्होंने जो आज कमाना है शाम को खाना है। लेकिन एक किसान है जो बेचने जाता है, उससे पहले अपने घर में खाने के लिए रख के जाता है, उसको आज की शाम की खाने का फिक्र नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोगों को किसान की दात देनी चाहिए कि जो ये आगे फ्रंट पर आके लड़ रहा है, नहीं तो दूसरा महंगाई दूसरे लोगों को नहीं है, तेल की बढ़ोतरी दूसरे लोगों को नहीं है, सभी को है, लेकिन लड़ सिर्फ किसान रहा है, क्योंकि किसान में इतना दम है। और दूसरे सभी लोगों को चाहिए कि इस किसान की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, ताकि ये तकड़ा होकर लड़े और सरकार से अपनी लूट को बचा सके। एक किसान है जो 24 घंटे में कम से कम भी 18-19-20 घंटे काम कर रहा है, गर्मी में, सर्दी में, ठंड में, सब जगह में, पर सरकार इसकी कीमत कोई मूल्य नहीं पा रही है, कि सबसे पीछे जा रहा है किसान। क्यों भाई ऐसे तक क्यों कर रही है हमारे साथ सरकार, ये भी देखना चाहिए सरकार को। जैसे कि हम लोगों ने जितना भी बातचीत करी, हमारे लोगों ने जितने भी मेरी वीडियो, जितने भी लोग घर पर बैठ के अभी देख रहे हैं ना,
तो आप क्या चाहते हैं, उन्हें क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे वो लोग सब आप लोगों के साथ? हम हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं किसानी के आधार पर कि हिंदुस्तान के लोगों, आपको ये सरकार आपका गला घोंटने जा रही है, आपको मारने जा रही है, इस मुल्क को दोबारा गुलाम बनाने जा रही है हिंदुस्तान के अडानी और अंबानी को। ये ठीक समय है कि अगर आज उठ के खड़े होके किसान की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि किसान लड़ने के लिए काबिल होके इस सरकार को नथ पा सके। अदरवाइज ये किसान नथ ना पा सका तो ये मुल्क के लोगों का बहुत माड़ा हाल होगा और ये मुल्क की हासिल की हुई आज़ादी हमारे हाथ में से छिन जाएगी और मुल्क के मालिक अडानी और अंबानी हो गए और कोई नहीं होगा। ये संदेश हम देना चाहते हैं। हम तो जो घर में बैठे हैं लोग उनको भी सबको अपील कर रहे हैं भी आओ हमारे साथ सहयोग दो। ये कल्ला किसान को नहीं प्रॉब्लम तो हर एक को आ रही है, आएगी और भी ज़्यादा आएगी। पर चलो कोई नहीं, टाइम आएगा, बेटर लेट देन नेवर, कभी ना कभी तो आएगा टाइम। हो सकता हो भी क्या देख रहे हैं हमारे साथ मिलेंगे और मिलना भी चाहिए, तो इसलिए हम तो यही मांग कर रहे हैं जो घर में बैठे हैं वो भी हमारे साथ मिलें। जैसे जब किसी बीजेपी का कोई वो होता है ना प्रोग्राम, हाँ जी तो सब आ सकते हैं एक दिन। बीजेपी वालों को खेल सकते हैं, सब जनता इकट्ठी होकर दिखाए भी है आज अब हम साथ खड़े हैं। जितने एक दिन मैसेज आता है कोई भी बीजेपी का प्रोग्राम हो तो उसके अंदर लोग तो आ सकते हैं। अगर नहीं हो जाए तो किसान मोर्चे का दिल्ली से हुक्म आता है, जो हमारे प्रधान जी हैं 32 किसान जथेबंदियाँ हैं उनके ऑर्डर आते हैं कि आज ऐसे करना है, आपने आज ऐसे करना है। तो हम लोगों को गांव-गांव में जाके भी बताते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे किसान मोर्चे की संयुक्त किसान मोर्चे की काल जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टोल प्लाजे पे या दिल्ली पे जहाँ भी नज़दीक लगता है ज़रूर पहुँच के हमारी जथेबंदी का भारतीय किसान यूनियन का सहयोग दें, साथ दें पूरा। हम तो यही उनको डिमांड मांग कर रहे हैं सब लोगों के लिए।